मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, ये 10th सीबीएसई साइंस टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले दो वीडियो में अपन जाएँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट नेचर, उन सभी को अपन लिमिनेस नॉन लिमिनेस ऑब्जेक्ट, वो सभी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अपन क्या है कि नेक्स्ट इस वीडियो में मिरर के बारे में बात कर रहे थे, तो टाइप ऑफ मिरर देखते हैं, टाइप ऑफ मिरर, ठीक है ना। तो वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मिरर को कैसे बनाया जाता है, और उसी तरीके से वही क्या है कि दो टाइप है मिरर के, ठीक है ना। तो इसके मिरर के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉनवेक्स मिरर, ठीक है ना, ओके। अब कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर जिनकी क्या है कि मतलब जो बुल्गिंग आउटसाइड होती है ना, उस पर क्या है कि मतलब कोटिंग होती है, और बुल्गिंग जो क्या है कि बेंट इन जो साइड है, ये क्या होती है, शाइनिंग या रिफ्लेक्ट सरफेस होती है, ठीक है ना। तो आउट, ठीक है ना, साइड कोटिंग, ठीक है, कोटिंग होती है, और बेंट इनसाइड साइड रिफ्लेक्टिव, ठीक है, ये होती है, ओके। तो ऐसे मिरर को अपन क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर करते हैं, ठीक है ना। जबकि कॉनवेक्स में क्या होता है, कॉनवेक्स में मैं इसी को वापस लिख देता हूँ, बुल्गिंग आउट जो साइड होती है ये तो होती है रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना, और जो बेंट इनसाइड होती है ना, ये होती है कोटिंग, इसको अपन कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से इसका डायग्राम देखे तो अंदर वाली साइड कोटिंग और बाहर वाली साइड जो बुल्गिंग आउटसाइड है वह रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना। तो ऐसे मिरर को अपन क्या करते हैं, कॉनवेक्स मिरर करते हैं, ठीक। ये तो इन दोनों के बारे में हुआ, ठीक है ना। अब इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ मिरर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मिरर। तो दोनों के मिरर की स्ट्रक्चर देखो, चाहे एक की देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक ही देख लेते, किसी एक ही देख ले तो वैसा ही दोनों में ही है। मान लीजिए कि ये अपन ने एक मिरर लिया, दोनों की भी देख लेंगे, है ना, दोनों की देख लेते हैं। ये इधर की तरफ कॉनकेव, ठीक है ना, और इधर की तरफ ये कॉनवेक्स, ठीक है ना। ये इधर की तरफ मैंने बना दिया इसको, ये इस तरीके से कोटिंग इधर की तरफ, ओके, और ये बनाया मैंने कोटिंग इधर की तरफ, ठीक है ना, ओके। अब इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर में क्या है, ये जो क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन, जैसा कि आपने रिफ्लेक्शन में देखा था, रिफ्लेक्शन का जो डायग्राम था ना, उसमें देखा था ये इमेजिनरी लाइन, तो ये नॉर्मल है ना, ऐसे ही नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन अपन इनमें भी रखेंगे। तो उस इमेजिनरी लाइन को इनमें कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी क्या कहेंगे, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक तरीके से परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ना, किसके, उस मिरर के, ठीक है ना, जो पास्ड होती है कहाँ से, इंसिडेंट पॉइंट से होकर के, ये इंसिडेंट पॉइंट, इसमें भी इंसिडेंट पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इंसिडेंट पॉइंट से होकर के पास होती है स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, उस नॉर्मल को ही प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं, कुल मिला करके बात ये है उसको यहाँ पर,
ठीक है ना। ओके, तो पहली बात तो ये होती है ना, एक तो ये होती है इसमें, एक क्या होती है इसमें, एक होता है इसमें सेंटर, क्या होता है ये सेंटर, ठीक है ना, इसमें भी क्या होगा सेंटर, ठीक है ना, सेंटर दोनों में सेंटर होंगे। अब ये सेंटर क्या है, ये है सेंटर, इसको मतलब कि आपको इस बात का मालूम है कि ये जो मिरर बनाए गए हैं, ये मिरर किसी न किसी एक स्फेरिकल ग्लास के पीस है, ठीक है, उससे काट करके बनाए गए हैं। तो अब आप अगर इस स्फेरिकल ग्लास को, इस गोल को देखोगे, ठीक है ना, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होता है, ठीक है, तो जो सेंटर इस स्फेरिकल ग्लास का था, ठीक है ना, वही सेंटर क्या होगा इनका, इनका भी सेंटर कहलाएगा, ठीक है ना, तो वही सेंटर किनका सेंटर कहलाएगा, इन ग्लास, इन मिरर का सेंटर कहलाएगा, जिस जो सेंटर इन जिस ग्लास के ये क्या है कि एक पीस है, ठीक है ना, तो उसी सेंटर को क्या कहेंगे, इनका सेंटर कहेंगे, ठीक है, ओके, ये हो गया। दूसरा अपन आगे देखते हैं, एक और क्या है इनमें, एक होता है इनमें फोकस, क्या होता है इनमें फोकस, ये इस तरीके से फोकस, ठीक है ना, ये फोकस क्या होता है, ये फोकस एक तरीके से मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किनका, किनके बीच का, ये है मिड पॉइंट, मतलब क्या है कि जो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कह रहे थे अपन इंसिडेंट पॉइंट कह रहे थे, इसको इंसिडेंट पॉइंट को यहां पर क्या है कि पोल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पोल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पोल कहते हैं, जहां से होकर के वह मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि नॉर्मल जो है ना वो गुजरती है, ठीक है ना, पोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गोल कोई भी कहें कि जो ये, क्योंकि गोल स्फेरिकल ग्लास जो है ना उसके पार्ट है, तो उसके कोई ना कोई पोल होंगे, तो इस वजह से उसी पोल को इनका पोल कह रहे हैं, ठीक है ना, आगे बात समझ में, तो इसको पोल कहते हैं, तो मिड पॉइंट है ये किनका, ये फोकस जो है ना, ये मिड पॉइंट है किनका, सेंटर एंड पोल का, ठीक है ना, सेंटर एंड पोल का, ठीक है, इनका मिड पॉइंट होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है यानी कि एक तरीके से फॉर्मूला तो भी बाद में आएगा, पहले आप इसको देख लिए, फोकस पॉइंट है ये, फोकस पॉइंट क्या होता है, इस मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसका मिड पॉइंट जो होता है उसको क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और अब आगे देखो, एक चीज क्या होती है इनमें, एक चीज ये होती है, ये यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन कहते हैं आर, क्या कहते हैं इसको, आर कहते हैं, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है ये आर, मगर यहां पर आर अपन बड़ा लिखेंगे, ठीक है ना, आर आपने पढ़ा है ना, इसको क्या कहते हैं अपन, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या, ठीक है ना, रेडियस कहते हैं, जो क्या है कि सेंटर से लेकर के पोल तक होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, आर कहते हैं, है ना, रेडियस कहते हैं, तो इनकी रेडियस है ये, ठीक है ना, जो सेंटर से लेकर के उनके पोल तक की डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब ये इसकी मतलब की रेडियस हो गई। अब आता है आपके अगला जो पॉइंट है, वह है FL, फोकल लेंथ, इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं इसको, फोकल लेंथ, ठीक है ना, ये फोकल लेंथ क्या है, मतलब कि इस पोल से लेकर के इस फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको फोकल लेंथ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं फोकल लेंथ, कहां से लेकर के इस मतलब क्या है कि पोल से लेकर के फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ जो होती है ना, ये फोकल लेंथ आर की हाफ होती है, हमेशा क्या होती है, आर की हाफ होती है, ठीक है ना, आर बाय टू इजकल टू फोकल लेंथ, ठीक है ना, ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, क्या हुआ ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आपने देखा इसमें क्या क्या होते हैं, एक तो इसमें होता है मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस एज अ नॉर्मल, जो आपने उस डायग्राम में देखा था, है ना, एक तरीके से ये क्या है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, नॉर्मल है, जो परपेंडिकुलर पास्ड होती है ना, फ्रॉम द पोल, ठीक है ना, टू द
मतलब कि परपेंडिकुलर टू द मिरर, मिरर के क्या है कि परपेंडिकुलर और कहाँ से होकर के, पोल से होकर के। तो ऐसी इमेजनरी लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस पोल क्या है, पोल उस स्पेरिकल ग्लास का जो क्या है कि पोल है, वही पोल इन स्पेरिकल मिरर का पोल कहलाएगा, ठीक है ना। इधर से क्या है कि जो सेंटर है, सेंटर भी उस स्पेरिकल ग्लास का जो सेंटर है, ठीक है ना, जिसके ये पीस हैं, ठीक है ना, वही सेंटर इनका सेंटर कहलाएगा, ठीक है। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट मतलब पोल और सेंटर दोनों के बीच का, यानी कि मिड पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, और पोल से लेकर के जो सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन रेडियस करते हैं, उसको अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये रेडियस वही रेडियस है जो स्पेरिकल ग्लास की रेडियस है, ठीक है ना, वही रेडियस इनकी रेडियस कहलाएगी, ठीक है। इधर से इनकी इस रेडियस की हाफ डिस्टेंस जो होती है ना, उसको कहते हैं अपन फोकल लेंथ, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, जिस पर क्या है कि मतलब फोकल पॉइंट एक्सटेंड होता है, ठीक है ना। तो ये इनकी स्ट्रक्चर हो गई। ओके, अब अपन बात करते हैं आगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन का जवाब आप अब क्वेश्चन तो क्या पूछे आपसे डायरेक्टली अभी, मैं आपको बता देता हूँ। एक ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीबीएसई वाले कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपसे कहा मतलब कि आप अपने घरों पर बहुत सारे बर्तन देखते हैं ना, तो उन बर्तनों में एक तरीके से जो स्पून होते हैं ना अपने, चम्मच, ठीक है, ये क्या है कि एक तरीके से मिरर का सबसे बेटर एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आपसे सीबीएसई में मतलब कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऐसा मतलब क्या है कि इसका ऑब्जेक्ट का नाम बताइए, मतलब कि जो अपने डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट है, घरेलू ऑब्जेक्ट है, उसका नाम बताइए जो क्या है कि मतलब एक तरीके से मिरर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो आप एग्जाम्पल किसका देंगे, स्पून का, स्पून यानी कि चम्मच, ठीक है ना। चम्मच भी है, इधर से क्या है कि इधर से और भी बहुत सारे हैं, मगर कि सबसे बेटर एग्जाम्पल चम्मच है, ठीक है ना। तो चम्मच आप देखते हैं इस तरीके से चम्मच होती है, ये इस तरीके से है ना, तो इस तरीके से चम्मच होती है, इसके दो साइड होती है, एक तो इधर की साइड और एक इधर की साइड, तो एक तरीके से मिरर की तरह काम करता है, है ना। इधर की तरफ से कॉनवेक्स की तरह करेगा, इधर की तरफ से देखेंगे तो कॉनकेव की तरह करेगा, ठीक है ना। तो एक सबसे बेटर एग्जाम्पल है स्पून, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ मिरर हो गई, ठीक है, और मिरर के बारे में टाइप बताए थे मैंने, ठीक है, ओके। अब आपके अगला जो चलता है टॉपिक वह है, अब जो फोकस है ना, वो फोकस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, टाइप ऑफ फोकस, ठीक है। फोकस जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के लेंस, दो प्रकार के मिरर हैं, तो दो प्रकार के फोकस होंगे, ठीक है ना। अलग अलग फोकस, अलग अलग मिरर में अलग अलग टाइप का फोकस होता है, ठीक है ना। देखिए दो टाइप के कैसे, एक तो होता है रियल फोकस, रियल फोकस, और एक होता है वर्चुअल फोकस, ठीक है ना। रियल फोकस यानी कि वास्तविक फोकस, ठीक है ना, वास्तविक, और एक वर्चुअल यानी कि काल्पनिक फोकस, ठीक है ना। तो वर्चुअल फोकस और रियल फोकस दो प्रकार के फोकस होते हैं, है ना। अब दो प्रकार के फोकस जो होते हैं उनको ध्यान में सुनना पहले, है ना। मैं पहले मिरर भी यहाँ पर साथ में ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ये आपके पास में दो मिरर हैं, कौन, ये तो ये वाला, एक इधर भी बना देता हूँ मैं, है ना, एक ये वाला है।
अब इसमें मैंने कोटिंग कर दी इधर की तरफ, ये इधर की तरफ कोटिंग कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसमें मैं इधर की तरफ कोटिंग कर देता हूँ, है ना। ये बन गया है कॉनकेव और ये बन गया है कॉनवेक्स, ठीक, ओके। अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ठीक है ना, और इसमें ये सेंटर है इसका, ये इसका फोकस पॉइंट है, ये इसका पोल है, ठीक है ना। उसी तरीके से अब इसका जो सेंटर है ना ये इधर की तरफ होगा और फोकस पॉइंट इधर की तरफ होगा, पोल इधर की तरफ होगा। देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये मैंने उल्टा बना दिया। हालांकि इसको मैं इसको भी इधर की तरफ इस तरीके से बनाता तो ठीक रहता, मगर कोई बात नहीं है। मतलब क्या है कि ये ग्लास, ये इस ग्लास का एक टुकड़ा है, ठीक है ना, ये तोड़ करके निकाल, है ना, ये इस तरीके से एक ग्लास का टुकड़ा है, ठीक है ना, जिसको अपन ने काट करके निकाला। तो अब इसका सेंटर इधर की तरफ है तो फोकस पॉइंट भी इधर की तरफ ही होगा, ठीक है ना। इसका सेंटर उधर की तरफ है तो फोकस पॉइंट भी उधर की तरफ ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि जब भी अब इनके क्या है कि इसकी बात करें अपन, इसकी तो इसमें क्या है कि इधर की तरफ तो हो रही है पॉलिश और इधर की तरफ है रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो लाइट रेज इधर की तरफ से ही आएगी ना, रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरफ से ही, रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरफ से ही लाइट रेज आएगी, ठीक है ना, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, ओके। इसमें क्या है कि रिफ्लेक्टिव सरफेस है इधर की तरफ और कोटिंग हो रही है उधर की तरफ, इसमें लाइट रेज किधर की तरफ से आएगी, इधर की तरफ से, रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरफ से ही आती है लाइट रेज उधर की तरफ से, ठीक है ना, वो तो पीछे वाला पार्ट है तो उधर की तरफ से थोड़ी आएगी, इधर आगे की तरफ से आएगी, रिफ्लेक्टिव सरफेस पर ही तो जाएगी ना लाइट रेज, ठीक है, इसका मतलब इधर से आएगी, ठीक। आगे बात समझ में। अब एक बात सुनिए, देखो ये ग्लास है और हार्ड ऑब्जेक्ट है ना, ये भी हार्ड ऑब्जेक्ट है। अब ये लाइट रेज इससे होकर के इधर की तरफ तो पास होने वाली है नहीं, ठीक है ना। अब ये वापस सेंडिंग बैक होगी, तो सेंडिंग बैक होगी तो ये इधर की तरफ ही तो आएगी, ठीक है ना, आएगी कि नहीं आएगी, इधर की तरफ ही तो आएगी, ऐसे सेंडिंग बैक होगी तो ये इधर की तरफ आएगी वापस, आएगी कि नहीं आएगी। इसी तरीके से ये वापस सेंडिंग बैक होगी तो वापस इधर की तरफ आ जाएगी, ठीक है ना, मतलब ये उधर फोकस और सेंटर की तरफ नहीं जाएगी, और ये फोकस और सेंटर की तरफ ही है और फोकस और सेंटर की तरफ ही वापस जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, ये ऐसा फोकस रियल फोकस कहलाता है और ऐसा फोकस वर्चुअल फोकस कहलाता है। समझने का प्रयास करो, मैं पहले डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मतलब रियल फोकस किसको कहेंगे अपन, लाइट रेज आने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है ना, फोकस से होकर के अगर गुजरती है, फोकस से होकर के अगर रियलिटी में गुजरती है फोकस से होकर के, ठीक है ना, तो उस फोकस को अपन क्या कहते हैं, रियल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल फोकस। मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रेज अगर फोकस से होकर के रियलिटी में ही गुजरती है, ठीक है ना, तो उसको रियल फोकस कहते हैं, ठीक है ना। और वर्चुअल फोकस उसको कहते हैं कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है ना, फोकस से होकर के नहीं गुजरती है या गुजरती हुई अपेयर्स होती है। तो आप तो यहां पर एक ही बात ध्यान रखिए, नहीं गुजरती है, बस नहीं गुजरती, अपेयर्स का मामला आगे आएगा, ठीक है ना, नहीं गुजरती है तो उसको कहते हैं अपन वर्चुअल फोकस। क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस, ठीक है। तो ये दो टाइप के फोकस हैं, मगर मतलब कि लाइट रेज आने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, मतलब क्या है कि अगर रियलिटी में फोकस होकर के गुजरती है तो उसको रियल फोकस, और फोकस से होकर के नहीं गुजरती है तो उसको अपन उस फोकस को, ऐसे फोकस को अपन वर्चुअल फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्चुअल फोकस। तो ये दो टाइप है, यानी कि इसका मतलब आप ध्यान दे लेना कि कॉनवेक्स जो मिरर होते हैं ना, कॉनवेक्स मिरर हैव वर्चुअल फोकस, ठीक है ना, कॉनवेक्स मिरर कौन सा फोकस रखते हैं, वर्चुअल फोकस रखते हैं, ठीक है ना। बट कॉनकेव मिरर हैव रियल फोकस, मगर
जो कॉनकेव मिरर होते हैं ना वो रियल फोकस रखते हैं। कैसा फोकस रखते हैं? रियल फोकस, ठीक, ओके, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो फोकस के टाइप हो गए। हाँ, अब आपके अगला जो टॉपिक है ना वह है रूल्स, रूल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज बाय द स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना, दोनों प्रकार के मिरर, वही स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना, कॉनकेव और कॉनवेक्स, उनसे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसके लिए रूल्स, ठीक है ना, वो किस तरीके से इमेज बनाएंगे उसके लिए रूल्स, ठीक है ना। तो ये वो रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग वो मतलब कि इमेज बनाएंगे जब उनके ऊपर लाइट रेज फॉल होगी, ठीक है ना, वो किस तरीके से लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेंगे उसके लिए रूल्स है ये, ठीक है ना। तो अपन उन रूल्स को देखते हैं, ठीक। तो चार रूल्स हैं, कितने रूल्स हैं? फोर, ठीक है ना, चार रूल्स हैं इन, पहले तो आप ये बात ध्यान रखिए, चार हैं, ठीक है ना। अब मैं दोनों के लिए ही दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये एक मिरर ये है और एक ये दूसरा मिरर है, ये मान लीजिए कि कॉनवेक्स है और ये मान लीजिए कि कॉनकेव है, ठीक है ना। अब ये कॉनकेव है तो इसके कोटिंग अपन इधर की तरफ कर देंगे, और ये कॉनवेक्स है तो इसके बुलगिंग इन पार्ट पर क्या कर देंगे, अपन कोटिंग कर देंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी इसके लिए भी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल है ना, ये पोल है, ठीक। ये इसका मान लीजिए कि इसका सेंटर है, ये इसका मान लीजिए कि ये सेंटर है, ये इसका क्या है कि मतलब फोकस पॉइंट है और ये इसका फोकस पॉइंट है, दोनों में, ठीक है, ओके, है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं रूल्स की, ठीक है ना, रूल्स को ढंग से सुनना, रूल्स ही इंपॉर्टेंट है इन चैप्टरों में, बस और कुछ भी नहीं है। वो आपने पहले तीन लॉ देखे, अब ये तीन लॉ और देखिए, ये तीन लॉ इमेज बनाने से रिलेट है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन से रिलेट है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अब पहला रूल्स क्या कहता है कि लाइट रेज जो है वो आएगी, है ना, लाइट रेज क्या होगी, आएगी, है ना, और वो लाइट रेज कैसे आ रही है, मान लीजिए कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रेज फोकस पॉइंट से होकर के क्या होगी, गुजर जाएगी। पहला रूल ये है, ठीक है ना, पहला रूल क्या है, फोकस पॉइंट से होकर के गुजरेगी। पहला रूल क्या है कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस पॉइंट से होकर के गुजरती हैं फॉर द कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। दूसरा, इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ भी पहले रूल्स को देख रहे हैं, है ना, कि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के तो नहीं गुजरेगी, मगर फोकस से होकर के गुजरती हुई अपने को प्रतीत होगी, अपीयर्स, ठीक है ना। ऐसा लगेगा कि अगर अपन इस लाइट रेज को इधर की तरफ बढ़ा करके अगर देखें तो वह अपने को ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर के गुजर रही है, गुजरेगी नहीं एक्चुअली में, वो तो इधर की तरफ जाएगी,
मगर कि अपने को ऐसा लगेगा अगर इसको अपन इधर पीछे की तरफ बढ़ा करके देखें तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होकर के गुजर रही है, ठीक है ना। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में एक ही अंतर है कि कॉनकेव मिरर में तो क्या है कि रियलिटी में ही फोकस से होकर के गुजरती है, मगर इसमें रियलिटी में फोकस से होकर के नहीं गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती हुई अपेयर्स होती है, मतलब कि प्रतीत, ठीक है ना, प्रतीत अपेयर्स होती है, ठीक है ना। तो पहला रूल्स तो ये है, पहला रूल्स क्या है, पहला रूल्स ये है कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो या तो प्रिंसिपल इसे क्या है कि फोकस से होकर के गुजरती है या फोकस से होकर के गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों रूल्स एक साथ बोल दिए मैंने, है ना, ओके। दोनों एक ही हैं, वही रूल्स, दोनों एक ही रूल्स हैं, दोनों के लिए अलग अलग दिखा रहे हैं, केवल कुछ इतना सा बात है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो फोकस पॉइंट से होकर के गुजरेगी या फिर फोकस पॉइंट से गुजरती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना, अपेयर्स होती है। पहला तो पॉइंट ये है, पहला रूल्स, ठीक है। दूसरा रूल्स देखो, अगर मान लीजिए कि लाइट रेज जो है वो लाइट रेज क्या है कि फोकस से होकर के आ रही है, कहाँ से होकर के, फोकस से होकर के, ये फोकस पॉइंट है, इस फोकस पॉइंट से होकर के आ रही है लाइट रेज, पैरेलल नहीं आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस पॉइंट से होकर के आ रही है, ठीक है ना, ओके। तो फोकस पॉइंट से होकर के आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या है कि लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। ये दूसरा रूल है, अगर मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों रूल्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है ना, आगे बात समझ, अपोजिट है केवल। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर के गुजरेगी और अगर फोकस से होकर के आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इस ऐसा इसमें होगा, अगर फोकस से होकर के आती हुई अपने को प्रतीत हो रही है, अब यहाँ पर फोकस से होकर के तो आएगी नहीं क्योंकि इधर से आ रही है लाइट रेज, उधर की तरफ जाएगी नहीं, उधर से लाइट रेज आएगी नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए कि फोकस से होकर के फोकस पर आ रही है, ठीक है ना। तो फोकस पर आ रही है तो ये क्या है कि मतलब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, ये भी पैरेलल हो जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये दूसरा रूल्स है, ठीक है ना। दूसरा रूल्स क्या कहता है, दूसरा रूल्स अब मैं एक साथ बता देता हूँ दोनों का। दूसरा रूल्स क्या कहता है कि लाइट रेज फोकस से होकर के आती है या फोकस से होकर के आती हुई अपेयर्स होती है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, क्या हो जाती है, पैरेलल। ये दूसरा रूल्स है, ठीक है। अब मैं इन दोनों रूल्स को मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा लाइनें हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं इनको हटा देता हूँ वापस, ठीक है। फिर दो रूल्स बचे हैं तो दोनों रूल्स को देखेंगे, है ना। ये सेंटर, ये फोकस मिट गया तो इसको मैं वापस बना देता हूँ, ठीक है ना, ये ओके। हाँ, अब थर्ड रूल देखो, दो रूल्स तो देख लिया आपने, दोनों एक जैसे ही थे मगर एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है ना। तीसरा रूल्स क्या है, तीसरा रूल्स कि लाइट रेज अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट डायरेक्ट पोल पर गिर रही है, कहाँ पर गिर रही है, पोल पर, डायरेक्ट कहाँ पर गिर रही है, पोल पर, ठीक है ना। तो लाइट रेज वापस उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, पोल पर गिरेगी, वापस उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही है, दोनों के लिए सेम ही है, पोल पर गिरेगी, वापस उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा उसी सेम एंगल पर, यानी कि 45 डिग्री के एंगल पर आए तो 45 डिग्री के एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये तीसरा रूल है, ओके। यानी कि जब लाइट रेज अगर पोल पर गिरे डायरेक्ट
तो उसको वापस उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, ये दूसरा, ये क्या है कि थर्ड रूल्स हैं। तीसरा, फोर्थ रूल्स क्या है? फोर्थ रूल्स देखिए कि लाइट रेज, अगर मान लीजिए कि सेंटर से होकर के आती है, कहां से होकर के? सेंटर से होकर के, ध्यान दीजिए, कहां से होकर के आती है? सेंटर से होकर के आती है, कहीं पर भी आए, मान लीजिए कि इस तरीके से सेंटर पर होकर के आए, ठीक है ना, इस तरीके से सेंटर पर होकर के आए, या ऐसे सीधी आ जाए, या यूं आ जाए, ठीक है ना, सेंटर पर होकर के आए, ठीक है ना। तो सेंटर पर होकर के अगर आती है कोई भी लाइट रेज, तो उसको वो वापस बिना एंगल बनाए हुए, ठीक है ना, बिना एंगल बनाए हुए, जैसे मान लीजिए लाइट रेज आ रही है, तो बिना एंगल बनाए हुए उसी पाथ पर वापस क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब वो वापस उसी की उसी ही लौट जाती है, ठीक है ना, उसी पाथ पर, सेम पाथ पर। ऐसा ही इसमें है, अगर लाइट रेज मतलब क्या है कि किस पर? सेंटर पर आती हुई अपने को प्रतीत हो रही है, अपीयर्स, किस पर आती हुई? सेंटर पर आती हुई, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? आई जिस एंगल पर आई है ना, बिना कोई एंगल बनाए हुए उसी जीरो डिग्री के एंगल पर वापस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये फोर्थ रूल है। तो ये चारों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इन चारों रूल्स को आप देखेंगे। ओके, थैंक यू। आगे की बात अपन क्या है कि अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इन रूल्स को आप ढंग से देखेंगे, क्योंकि अगला जो अपन टॉपिक लेंगे उस टॉपिक में इन रूल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, इस वजह से। ओके, थैंक यू।